नमस्कार। हमेशा कहा जाता है आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, और इसलिए आज हम आपको बताएंगे हाथरस का संपूर्ण सच। हाथरस ट्रूथ ये हमारा हैशटैग है, और आज मैं पूछ रहा हूं, क्या हाथरस में आपको पूरी कहानी नहीं बताई गई? क्या आधे सच को जानबूझकर दबाया गया? हाथरस में पीड़िता को मारा गया, 14 सितंबर की यह घटना थी, यह सच है। पीड़िता की जान गई 29 सितंबर को, यह भी बात सच है। उसका रात को अंतिम संस्कार हुआ, यह भी सच है। और उसके दलित आइडेंटिटी को लेकर राजनीति की गई, उसका इस्तेमाल किया गया, यह भी सच है। प्रस्तुत किया गया कि सवर्ण जाति के कुछ लोगों ने, चार आरोपियों ने उसे मारा, उसके साथ बर्बरता की, यह भी सच है। पर यह भी सच है कि 14 तारीख को भाई की पहली शिकायत में रेप का जिक्र नहीं था। 14 तारीख के बाद 15 तारीख को जब अखबारों ने इस पर लिखा, तो उस अखबार में केवल अटेम्प्ट टू मर्डर की ही खबर थी, आरोप केवल इतना ही था। माताजी के कई वीडियोस आए हैं 14 तारीख को लेकर, उसमें भी उन्होंने रेप या गैंगरेप का जिक्र नहीं किया था। 8 दिन बाद आरोप बदला गया, ये भी सच है। ये भी सच है कि कांग्रेस और कुछ पत्रकारों के ऑडियो सामने आए हैं, जिसमें कि वो परिवार को ट्यूटर कर रहे हैं, कह रहे क्या बताना है, ये भी सच है। पीड़िता के भाई और मुख्य आरोपी के बीच लगातार बात हुई, उसकी खबर हमने दिखाई, ये भी एक सच है। रामू आरोपी उस दिन वहां पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में था, ये उसके मालिक ने बताया है, ये भी सच है। सच ये भी है कि पीएफआई और कुछ कांग्रेस के नेता दंगा भड़काना चाहते हैं, और ये भी सच है कि इस बड़ी खबर को सबसे पहले मैंने आपको बताया था, और आज उस बड़ी खबर पर सबसे पहले मैं जाऊं, उससे पहले मेरे सवाल जिसका जवाब मुझे चाहिए, क्या हाथरस में गिद्ध गैंग ने परोसा था अर्ध सत्य? हाथरस में झूठ का जो जंजाल है, उससे अब बाहर आएगा सच का कंकाल? तीसरा सवाल, हाथरस के बहाने जातिगत दंगे थे भड़काने? और चौथा सवाल, क्या हाथरस का दंगा षड्यंत्र सहयोग नहीं प्रयोग था? मैं आगे बढ़ू उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो मेरे पास आ रही है, आप देख सकते हैं हाथरस गैंगरेप पर भड़काऊ बयान देने वाले कांग्रेस के नेता शिवराज जीवन अब हिरासत में ले लिए गए हैं। पुलिस कर रही थी उनकी पूछताछ, भड़काऊ बयान दिए थे, हाथ काटने की बात की थी शिवराज जीवन ने, आपको याद होगा कल का मेरा पूरा शो उसी पर था। और अब शिवराज जीवन जो कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी है, पूर्व मंत्री है, उनके ऊपर इंडिया न्यूज की खबर का असर पड़ा, 2 FIR हुई और अब उन्हें गिरफ्तार भी कर दिया गया है, पूछताछ की जा रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और पीएफआई के लोगों पर भी दंगे भड़काने के लिए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, मैंने आपको बताया था 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग आई थी, इसकी भी जांच हो रही है। उससे आगे बढ़ू, उससे पहले समझिए, क्या हाथरस के बहाने जातिगत दंगे भड़काने? क्या हाथरस का दंगा षड्यंत्र सहयोग नहीं प्रयोग था? यह बार बार मैं सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि यह सवाल केवल मैं नहीं, योगी आदित्यनाथ भी उठा रहे। क्या हाथरस के नाम पर पीएफआई और कांग्रेस पार्टी काम पर थे? सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, उसके बाद जाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट की ओर। के नाम पर, मत के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाने की कुत्सित चेष्टा कौन लोग कर रहे हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। ये वही चेहरे हैं जो मुजफ्फरनगर में दंगा कराते थे, ये वही चेहरे हैं जो केराना से पलायन करवाने के लिए हमें मजबूर करते थे, ये वही चेहरे हैं जो कांधला जैसे लोगों स्थलों पर, केराना जैसे स्थलों पर वहां के व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे, और आज फिर इनकी चेष्टाएं किसी न किसी रूप में फिर से उसी रूप में सामने आ रही हैं, लेकिन हमें सावधान होना होगा। और मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी हमारे इंडिया न्यूज के एंकर रोहित पुनेठा जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है उनके पास जाऊं, उससे पहले मुख्य आरोपी संदीप ने एक लेटर लिखा है, एसपी को लेटर लिखा है और कहा है कि तमाम उस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, ये उसका दावा है। वो कहता है कि लड़की के माँ और भाई ने उसे फंसाया है, बाकी आरोपी भी निर्दोष है, लड़की से दोस्ती थी ये वो कबूल रहा है, फोन पर लगातार बात होती थी, पीड़ित के मां और भाई को ये बात कतई पसंद नहीं थी, पीड़ित से मुलाकात भी हुई उस दिन, खेत में मुलाकात हुई और फिर वो अपने घर चला गया, ये उसका वर्जन है। पीड़ित के मां और भाई ने, सुनिए इस बात को, पीड़ित के मां और भाई ने उस पीड़िता को मारा, ये संदीप आरोपी अपने पत्र में कह रहा है, जो पत्र अब मुझे बताया जा रहा है हाथरस पुलिस के पास है। मारपीट के बाद मौत हुई और बाकी के जो आरोप, रेप गैंगरेप के आरोप और 4 आरोपियों पर आरोप लगाया जा रहा है, वो दरअसल पूरी तरह से झूठे आरोप है। पर मैं
आपको नहीं बताऊंगा सच क्या है झूठ क्या है, क्योंकि मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा लाइव है हाथरस में और उस वक्त लगातार इस मामले को ट्रैक कर रहे हैं। रोहित, एक बात तो सामने आ चुकी है कि पूरा सच नहीं बताया जा रहा था, अर्ध सत्य बताया जा रहा था, और जो सच है वो ब्लैक और व्हाइट नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कहीं शेड है, ग्रे के। तो मैं चाहता हूं कि हाथरस का पूरा सच क्या निकल कर आ रहा है। रोहित पुनेठा, ओवर टू यू। देखिए शहजाद, अभी हाथरस का पूरा सच मुझे लगता है उसको आने में अभी कुछ वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि देखिए दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। जब मेरी पीड़ित परिवार से बात होती है तो पीड़ित परिवार यही कहता है कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वो सही है, गैंगरेप हुआ था और इस बात से वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। और इस बात की तस्दीक अब से कुछ देर पहले, बस चंद मिनट पहले, मैंने जो सीमा विश्वास हैं, जो सीमा कुशवाहा, माफ कीजिएगा, जो वकील रही थी निर्भया की, वो भी अभी कुछ देर पहले मेरे साथ थी। मैंने उनसे बातचीत की तो मैंने उनको यही सवाल रखा था कि इतना देर से क्यों शिकायत की, इसको मैंने सवाल रखा। और मैंने सवाल ये रखा कि मैंने कहा पुलिस तो ये कह रही है कि भाई ये गैंगरेप है ही नहीं, तो उनका कहना था कि पुलिस के कहने से कुछ नहीं होता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। जो पीड़िता का लास्ट स्टेटमेंट जो था, जो पीड़िता का डाइंग स्टेटमेंट था, वही एज ए प्रूफ सुप्रीम कोर्ट में माना जाएगा, तो उसी को हम रखेंगे और उसी के बिना पर हम अपने केस को आगे बढ़ाएंगे। फिर मैंने कहा कि पीड़ित परिवार जो है सीबीआई जांच की मांग से क्यों पीछे हट रहा है, पीड़ित परिवार क्यों हाई कोर्ट आज गया और ये क्यों कहा कि पुलिस के रहते हुए हमको बंदिशें लगाई जा रही हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, बंदिश लगा रही है पुलिस, जब मैं पहले आई थी तब भी मुझे पुलिस रोका था। मैंने पूछा आज आई, आज रोका? उन्होंने कहा आज नहीं रोका, लेकिन फिर भी पुलिस जी। कुल मिलाकर रोहित, जो बात निकल कर आ रही है कि हमें बस एक ही साइड दिखाया जा रहा था, आप बने रहिए, क्योंकि मैं अब इस बीच आरोपी लवकुश के पिता से जो हमने बातचीत की है, वो कहते हैं कि उनका बेटा बेकसूर है, साजिशन फंसाया गया है। उनकी भी बात एक बार सुन लीजिए, क्योंकि हर पक्ष को रखना हमारी जिम्मेदारी है। सुनिए उनकी बात, उसके बाद चर्चा आरंभ करेंगे। रोहित भी होंगे और तमाम मेहमान भी होंगे, पर सुनिए लवकुश के परिवार की बात। हाथरस मामले ने इस वक्त पूरे देश में खलबली मचाई हुई है, पूरे देश में मीडिया की जुबान पर, हर एक शख्स की जुबान पर इस वक्त हाथरस का मामला है। और उस हाथरस मामले की जो पीड़ित है उन्हीं के घर पर मैं खड़ा हुआ हूं, उन्हीं के घर की छत पर मैं खड़ा हुआ हूं। और जैसा कि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो देखिए जिस पर छत पर मैं इस वक्त हूं, ये पीड़िता के घर की छत है और ये आरोपी है। इतने अगल बगल में जो पीड़ित है, आरोपी हैं, वो हैं। कुल चार आरोपी हैं, जिनमें से तीन का घर तो वो सामने है, हालांकि पेड़ों के बीच है, मैं फिर भी कहूंगा जैसे दिखाएं, पेड़ों के पीछे बिल्कुल जो एक इमारत सी आपको नजर आएगी, गांव में जिस तरह से घर होते हैं वैसा जो घर है, वो संदीप सहित जो तीन आरोपी हैं उनका वो घर है। और जो चौथा आरोपी है उसका घर ये है, उसके घर हम जाएंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी हुआ क्या है कि जो आरोपी हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है जेल से, और उस लेटर में ये लिख इस बात का जिक्र किया गया है कि वो निर्दोष हैं, उनकी कोई भी गलती नहीं है। तो मैं नीचे चलता हूं और देखता हूं घर पर कौन है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका पक्ष भी रखेंगे, उनका पक्ष सुनेंगे, देखते हैं कौन है यहाँ पर। ये अंकल जी बैठे हुए हैं। अंकल जी, आप यहीं, आप पिता हैं? हाँ पिता हूँ मैं। तो आपको पता है कि अभी जो आपके बेटे जो अभी जेल में हैं और जो टोटल चार आरोपी अभी जेल में हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है एसपी को, हाथरस के एसपी को, कि वो निर्दोष हैं? हमें नहीं पता है इस बात का। मेरी पत्नी है कहा है, आगरा गई है, तो उनकी माँ है कहा है, बीमार पड़ी हुई है और वो है कहा शाम तक आ जाएंगे बस। जिस दिन ये पूरा मामला हुआ था 14 तारीख को, जिस दिन आरोप लगाया था कि पीड़ित के साथ गैंगरेप हुआ है और उसकी हत्या हुई है, उस दिन आपका बेटा कहाँ पर था? बेटा मेरी पत्नी के साथ था। अच्छा, हाँ। तो आरोपी जो लवकुश है उनके पिता हमारे साथ थे, और बिल्कुल जैसे मैंने आपको दिखाया ऊपर से भी कि जो पड़ोस का घर है वो जो पड़ोस का घर है वो पीड़िता का है और ये घर इनका है, यानी कि लवकुश का, लवकुश के पिता का, लवकुश के पिता हमारे साथ हैं। इनका ये साफ तौर पर कहना है कि उनके बेटे ने कोई भी गुनाह नहीं किया है, आरोप जो है उनके ऊपर झूठा लगाया जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक जांच का विषय है। एक लेटर भी लिखा गया है अलीगढ़ जेल में, क्योंकि चारों आरोपी बंद हैं, तो चारों की तरफ से एक लेटर लिखा गया है हाथरस के एसपी को, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि वो लोग निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और उल्टा वो ये कह रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है, तो ये जो लेटर है ये एसआईटी की जांच में जरूर शामिल होगा, और फिर देखते हैं कि एसआईटी की फाइंडिंग्स इस जांच को लेकर क्या कहती हैं। कैमरामैन अजय के साथ रोहित पुनेठा, हाथरस, इंडिया न्यूज। तो हमारा हैशटैग है हाथरस ट्रूथ, और मेरे साथ कई सारे मेहमान और मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा हाथरस से लाइव जुड़ चुके हैं। मैं परिचय कराना चाहता हूं, मेरे साथ बीजेपी से उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली का बड़ा चेहरा शाज़िया इल्मी,
ऑथर शांतनु गुप्ता, शांतनु गुप्ता की पहचान इस तरीके से कीजिए कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर किताब लिखी है, पर हाथरस में भी गए हैं, वक्त बिताया है और वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है वो भी बताएंगे हमें। रोहित पुनेठा, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मेरे साथ तन्वी पृथ्वी है। तन्वी पृथ्वी सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन करती है कई विषयों पर। मेरे साथ पूजा गुप्ता भी जुड़ने वाली है, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ रोली मिश्रा भी जुड़ने वाली है, समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता। उनको भी जोड़ा जाए, पर सबसे पहले तन्वी पृथ्वी, मैं आप लोगों को आज मौका देना चाहता हूँ, फाइनल मौका इस बात का कि आप लोग मान लीजिए कि आपने हाथरस में केवल आधा सच बताकर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और एक राजनीतिक भाई बहन को हीरो बनाने के लिए कई सारे सच को दबाया। यह आपको मैं आखिरी मौका देना चाहता हूं कि आज आप इसको कबूल लें, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई सारे प्रूफ है और कई सारे वीडियो है जो मैं अगर उसको बाहर करना शुरू कर दूंगा तो आप लोगों को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तन्वी पृथ्वी, आज फाइनल मौका है, करेंगी आप? शहजाद जी, आप जितने मर्जी वीडियोस ले आइए, आप जितने मर्जी प्रूफ ले आइए, अल्टीमेट डिसीजन हमें कोर्ट देगा और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज देंगी। अगर आपको याद हो तो हाल ही में एक और केस हुआ था जो कि बहुत ही एग्जाम्पल दे रही हूँ शहजाद जी, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए अपना पॉइंट रखने के लिए। हम 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं कौन किसकी पॉलिटिक्स चल रही है। सिर्फ आज उस लड़की के बारे में सोचिए जिसकी जान गई है, किसी ने तो उसको मारा, चाहे ऑनर किलिंग थी, चाहे रेप था, चाहे गैंग रेप था। क्या किसी भी, अगर फैमिली डिस्प्यूट के अंदर क्या किसी की इतनी हिम्मत होनी चाहिए किसी भी लड़की को उठा के उसको स्ट्रैंगुलेट कर दे। अगर आपको याद हो, राइट विंगर्स ने असीफा के टाइम पे भी फॉल्स नैरेटिव चलाया था कि कोई रेप नहीं हुआ था। पहले एक सेकंड, किसी भी पीड़िता का नाम नेशनल टीवी पर नहीं लेते। तन्वी जी, मैं आपसे आपको रोकूंगा और मुझे पता है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, आप किसी पीड़िता का नाम नहीं लेंगे, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। मेरे साथ प्रियंका गुप्ता भी जुड़ रही जी। जी मैं माफी मांगती हूँ, मैं यहाँ पे कठुआ रेप केस की बात कर रही हूँ जहाँ पे रैलियां निकाली गई थी कि वहाँ पे कोई रेप हुआ ही नहीं। पर मेरा सवाल क्या था, ठीक है तन्वी, मैंने आपको मौका दिया। प्रियंका गुप्ता जुड़ गई है। प्रियंका गुप्ता, ये आपके नेता है स्वराज, जानती ही होंगी, उत्तर प्रदेश से, अलीगढ़ से है, अपना वर्चस्व बताते हैं, राहुल गांधी के बड़े करीबी है, मंत्री रहे हैं और AICC के सेक्रेटरी भी है, आपकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। वो कहते हैं मैं हाथ काट दूंगा। तन्वी जी कहती है कोर्ट पर भरोसा करो, कोर्ट अपना निर्णय देगा। तो ये स्वराज होते कौन है कि वहां पर जाति के नाम पर दंगे भड़काएंगे, किसी के हाथ काटने की बात करेंगे। आज वो गिरफ्तार हो चुके हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कब निकालेंगे इनको पार्टी से? देखिए मैं पूछना चाहती हूँ कि इससे पहले अगर आप कुछ वीडियोस देखेंगे तो रंजीत बहादुर नेता जो हैं वो एक मतलब महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा अगर वो सुन ले तो शायद महिलाएं खुद उनको जो है उनके हाथ काट दें, ये सिचुएशन है। आप देखिए कि जिस तरह से तो आप जस्टिफाई कर रही है ना, आप स्वराज जीवन की बातों को जस्टिफाई कर रही है। वो कह रहे थे आग फोड़ दूंगा, दंगे करवा दूंगा, दंगों के लिए सामग्री मेरे पास पूरी है, मैं हाथ काट दूंगा इन लोगों के। सुन लेंगे वो बयान कब आया था और स्वराज जी का बयान बहुत पहले का है। महिलाओं के ऊपर आप रंजीत बहादुर जी का बयान क्या चला सकते हैं इस समय? अगर आप चला सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए, अगर उस बयान को सुनने के बाद उसके अंदर आक्रोश नहीं पैदा होगा तो वास्तव में ये दुख की बात होगी। तो आप कह रहे हैं कि हाथरस के नाम पर दंगा करवाना आपका अधिकार है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा स्वराज जीवन के इस धमकी से और इस तरीके के लहजे से, दंगे के प्लान से इत्तेफाक रखते हैं। आप ये कह रही है ना, आप कह रही है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है। ठीक है शाजिया इल्मी, आइए शाजिया इल्मी को डिबेट में शामिल करेंगे, स्क्रीन पर लाएंगे। शाजिया इल्मी एक सेकंड, नहीं प्रदेश में किस तरह से क्यों नहीं आप रोक पा रहे, रसोई में कुछ खास किस्म के व्यंजन की तैयारियां होती है, कुछ तो यहाँ पे कारोबी प्रदर्शनकारी है जो जब सियासत में अपनी किस्मत को बदहाल पाते हैं तो वो कारोबारी प्रदर्शनकारी बन जाते हैं, धरना देने वाले बन जाते हैं। ये उनका कारोबार हो गया है और PFI के जो लोगों के सामने तो ये सब जाहिर है कि किस तरह से वो कर रहे हैं। दूसरी बात है कुछ मोहतरमाएं भी हैं, वो उनको किसी भी तरह से भाजपा के खिलाफ कुछ बोलना है जी। तो वो पीड़िता को भी बुरा भला कहने को तैयार है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि सम्मान के लिए मौतें होती हैं। खाप पंचायतों में कितनी हुई है, ऑनर किलिंग्स हुई है, गला घोट के मारा गया है, छुरा भोंक के मारा गया है, पेड़ों से लटका के मारा गया है। तो ये बहुत सारी बुनियादी चीजें ना तो जानती है ना जानना चाहती है। और दूसरी बात जो जिन जिन शख्स की आप बात कर रहे हैं
कि किसी को भी आक्रोश होगा, तो आक्रोश सबको होता है, लेकिन क्या हम दंगा फैलाना या भड़काने की इजाजत दे सकते हैं? क्या हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है? और क्या हम अलाव करेंगे कि हाथरस बाग बना दें, जैसे शाहीन बाग आपने बनाया था? तो मतलब हमें भी सोचना होगा कि कब तक हमें कारोबारी प्रदर्शनकारियों को बर्दाश्त करेंगे। पर शांतनु गुप्ता मेरे साथ देखिए जांच, तो ये इसलिए मुझे बहुत ही सख्त शब्दों में ये कहना पड़ेगा। ठीक है, तमाम मेहमानों को स्क्रीन पर रखेंगे। बच्ची को उसके पिता ने मारा हो या माँ ने मारा हो या संदीप या उनके साथी। ठीक है शाजिया, मुझे वही 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 पूछने जाना है। चलिए सबको स्क्रीन पर लाते हैं। मेरी पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर पहुंचे थे और अटेंशन पाने के लिए हमने देखा किस तरीके से कि लड़ गए थे यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स, तो कहीं ना कहीं उस मौके को भुनाने की कोशिश तो की गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें सिर्फ एक पक्ष होकर सुना गया। मैं अब भी इसी बात को बार बार कह रहा हूँ कि मैं कभी भी किसी रिपोर्ट को करते हुए कंक्लूसिव नहीं होता, और मेरा यह मानना है कि हमेशा दोनों पक्षों को रखा जाना चाहिए। एक पक्ष मैंने आपके सामने रखा पहले, और दूसरा पक्ष मैं उन्हीं की छत से रखूंगा। देखिए जैसा कि अभी बता रहे थे ना शांतनु जी, की अगल बगल घर है, तो ये जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये पीड़िता का घर है, और अब जो मैं जिस घर पे चला गया हूँ जिस छत पर, ये आरोपी लवकुश का घर है। तो ये है अगल बगल बिल्कुल मिले हुए घर। तब मैंने सवाल इनसे पूछा था कितने साल आप लोग कब से रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जन्म से हम लोग यहाँ पर रहते हैं, जन्म से अगल बगल रहते हैं, कभी किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं हुई। तो आरोप क्यों लगाया, वो कहते हैं ये मेरे को नहीं पता। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मैं किसी भी चीज को कंक्लूसिव नहीं हो रहा हूँ, मैं किसी भी चीज में ये नहीं पहुंच रहा हूँ कि ये सही है ये गलत है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों पक्षों को जानना बेहद जरूरी है। एसआईटी यही जांच कर रही है, बहुत सारी चीजें भी एसआईटी के सामने आई हैं और बहुत सारी चीजें मुझे लगता है आएंगी, तो तब जो क्लियरली चीजें हैं वो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से जिस गिद्ध गैंग की आप बात कर रहे हैं, गिद्ध गैंग ने आके एक तरफा होकर बोला, एक तरफा होकर कंक्लूड कर दिया कि हाँ सब कुछ यही है, सब कुछ यही गलत है। प्रियंका गुप्ता, वो उसने एक परसेप्शन बनाया और उसको माफ नहीं किया जा सकता। प्रियंका गुप्ता जी, अब बताइए कि जब जांच बाकी है, जब कई सारे कॉन्ट्रडिक्टरी वर्जन आ रहे हैं, आपने देखा होगा अलीगढ़ की जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी, डॉक्टर फैज ने उसको दस्तखत किए थे, उस पर कोई रेप का उसमें सबूत नहीं था, ना सफदरजंग की रिपोर्ट में था, और मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि डाइंग डिक्लेरेशन है, पर उस डाइंग डिक्लेरेशन के सामने मेरे पास एक ऐसा वीडियो है कि मैं आपको दिखाऊंगा, आज नहीं दिखाऊंगा, मैं चाहता हूं कि आज आप सच बताएं। कांग्रेस पार्टी क्या साजिशन इस मामले को घुमाना चाह रही थी, और क्या कांग्रेस और पीएफआई मिलकर दंगा करवाना चाह रही थी? मैं आज चाहता हूं कि आज मौका हो आपके पास कन्फेशन करने का, और अगर नहीं करेंगे तो कल मैं आपको सच बता दूंगा, बताइए। देखिए, सरकार किसकी है, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, आपके मतलब सरकार होने के बावजूद अगर कोई पार्टी दंगा कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं? आप बैठे हुए मुंह देख रहे हैं? तो शोरा जीवन जी को अधिकार है कि वो जाकर दंगा भड़के, आप टीवी चैनलों पर कह रहे हैं दंगा हो रहा है, दंगा हो रहा है, ये दंगा कर रहे हैं, वो दंगा कर रहे हैं। अरे आपके बस में नहीं है क्या, संभल नहीं रहा, छोड़ दीजिए कुर्सी, आप छोड़ दीजिए कुर्सी ना, जब आपसे दंगा नहीं संभल रहा है तो छोड़ दीजिए कुर्सी। आप टीवी चैनल में बैठ के दंगा करेंगे? बहुत अच्छी बात है कि आपने माना इस बात को, और मैं बहुत प्रश्न क्या मान रही है, के जो लोग हैं और राहुल गांधी जो हैं वहाँ पे दंगा फड़काने के लिए, उकसाने के लिए, दलित बेटी के साथ हुआ, सामूहिक शर्म नहीं आ रही आपको ये सब बोलते हुए? आप टीवी चैनल पर चाह रहे दंगे हो, शर्म नहीं आ रही है कि आप बेटी की मृत्यु पर राजनीति कर रही है बैठ के, यहाँ पर बात सिर्फ को लेकर राजनीति कर रही है बैठ के, शर्म करिए थोड़ा सा। मैं दोनों के बीच में आ रहा हूँ, शाजिया और एक सेकंड, शाजिया और प्रियंका, शाजिया और प्रियंका दोनों से एक एक सवाल है मेरा, शाजिया और प्रियंका दोनों से एक एक सवाल है, मैं बीच में रहूंगा। प्रियंका, मेरा सवाल आपसे पहले, आपको दलितों की बड़ी चिंता है मैम, बलरामपुर कितनी आपकी टोलियां गई, बलरामपुर पता है कितना दूर है, एक पीड़ित लड़की हाथरस से, नहीं तो वो पीड़ित नहीं है बलरामपुर की, दलित है, एक सेकंड, दलित तो बलरामपुर में नहीं हुआ अत्याचार, जिसकी लाश रात और रात जला, बलरामपुर में ऐसा ही है कुछ मामला, क्यों बलरामपुर में हुआ? भी हमारा पूरा, मेरे पास फैक्ट सारे होते हैं मैम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बलरामपुर क्यों नहीं गई? बलरामपुर में पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ, दलित थी, उसके साथ साहिल और शाहिद ने बलात्कार किया, आप क्यों नहीं पहुंची? आपके नेता क्यों नहीं पहुंचे? आपका राजनीतिक पर्यटन मंडली क्यों नहीं पहुंचा? हर जगह पहुंचे हैं और हर जगह पहुंचेंगे हम, जिस जगह पे बेटी के साथ अत्याचार होगा वहाँ वहाँ कांग्रेस टीम जाएगी, और वहाँ पे नहीं गई मैडम,
मैडम आप क्या कर रही थी वहाँ? कांग्रेस की सरकार है, वही तो बात है ना, क्यों नहीं चली गई और वहाँ को अत्याचार हुआ हुआ, कैसे जाएंगी? और मीडिया टीम को किसने रोका है? आपको किसी ने रोका तभी बोलना चाहिए जब भाजपा की सरकार है। जाइए, क्यों नहीं जा रही? मतलब है नहीं, ना ही किसी जुर्म से मतलब है। क्यों मतलब नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, हर एक सरकार में बोलेंगे। हमारी सरकार है, इतना पानी है हमारी आंखों में, जो आपकी आंखों में मर चुका है, जो आप राजनीति कर रही है, आप बैठकर यहाँ पर राजनीति कर रही है, एक बच्ची की मौत पर राजनीति कर रही है, उसकी लाश आपने रातों रात जला दी और उसके बाद आप राजनीति कर रही है। शर्म आनी चाहिए आपकी। बलरामपुर में क्यों नहीं गई? बताइए क्यों नहीं गई? मैं बता दूं, आप बहुत बुरा लगेगा, बेहद शर्म आनी चाहिए। लड़की का धर्म क्या है, लड़की की जाति क्या है, जिन्होंने रेप किया है उनका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है? आपको जाना चाहिए था, आपको हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर जाने के। और प्रियंका गांधी को जाना चाहिए था। 12 कौन सा काम कर रहे हैं? 12 के बाद एक रेप घटनाएं हो रही है, जाएंगे व्यक्ति के घर पे तमाशा करने के लिए, घटनाएं हो रही है, नहीं कर रहे। मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है शांतनु गुप्ता विकास से परेशान, इसलिए दंगों का महाप्लान कोई बना रहा था? और क्या दंगों के लिए इसमें जाति का एंगल डालना, फिर पीएफआई की फंडिंग कराना, 100 करोड़ के फंड मिलना, पीएफआई के लोगों को भेजना और शौराज जीवन से तैयारी करवाना, क्या विकास से परेशान इसलिए दंगों का प्लान था क्या? शांतनु गुप्ता, पूरी संभावना है। और हमने दिसंबर के जो एनटीसीए राइट्स थे, सो कॉल्ड एनटीसीए राइट्स, उसमें भी ये देखा। और सरकार ने 25 एक बार, 100 एक बार पीएफआई के एक्टिविस्ट यूपी में अरेस्ट करे, एनटीसीए के नाम पे, एनटीसीए के नाम ऑलमोस्ट 700 नॉन प्रोहिबिटेड बोर, नॉन प्रोहिबिटेड मतलब जो कट्टों से चलती हैं, ऐसी मिली है, 700 ज्यादा पले जड़ हुए थे एनटीसीए के नाम पे। तो उत्तर प्रदेश में ये देखा गया, जैसे कोई दंगा होता तो 4-5 ताकतें मिल जाती हैं। लेकिन शहजाद, में देखना यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी इसमें शामिल थी, केवल बात कही, उन्होंने दंगे भड़काए? क्योंकि जब जीवन सामने आते हैं, अब मेरा शक और बढ़ जाता है कि ये कांग्रेस इंस्टिगेटेड है पूरा, क्योंकि वो तो सीधे कह रहा है मैं राहुल गांधी को बुला दूंगा, मैं अखिलेश यादव को बुला दूंगा। और आपको पता है यूपी के लड़के, वो तो पहले ही चुनाव साथ में लड़े हैं, अखिलेश यादव तो, राहुल गांधी तो ऑल्टर ईगो हैं दूसरे के जी। तो अब सबसे डेंजरस चीज है कि क्या राजनीति के नाम पे पीएफआई को इन्वाइट करना शुरू कर देगी? और आपको पता है पीएफआई की जो पॉलिटिकल पार्टी एसडीपीआई, वो तो भी कर्नाटका में कांग्रेस के साथ है, तो रोहित हाथरस में माहौल कौन बिगाड़ने की साजिश रच रहा है? रोहित पुनेठा, आप हाथरस में हैं, वहां पर लगातार आप वहां के लोगों से बात कर रहे हैं, हाथरस का माहौल बिगाड़ने में किसका हाथ है वो बताइए हमें ग्राउंड से। शहजाद, हाथरस का माहौल जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था वो आज पुलिस की सलाखों के पीछे है, जो बार बार ये कह रहा था हाथ काट देंगे, जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें हमने सबने देखा था कि वो शख्स कौन था जिसका नाम है शौराज जीवन, उसको पुलिस ने नोटिस जारी किया था, डरते डरते पुलिस का नोटिस का जवाब देने के लिए आज पहुंचे शौराज जीवन, तो पुलिस ने वहीं थाने में अरेस्ट कर लिया शौराज जीवन को। इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि कौन भड़काने की कोशिश कर रहा था, और अभी थोड़ी और जांच होगी तो ये भी पता लग जाएगा कि उस रात को वेबसाइट किसने बनाई थी, एक ही रात में किसने हजारों हजार लोगों को जोड़ लिया था, किसने पीएफआई का नाम, पीएफआई के 4 बंदे जो है वो अरेस्ट किए गए। और एक और चीज शहजाद, एक और चीज, ये भी इत्तेफाक नहीं हो सकता है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि जो 4 बंदे पीएफआई के अरेस्ट किए गए उनमें से एक अतीकुर रहमान मुजफ्फरनगर में सीएए के अगेंस्ट में जो दंगा था उसमें भी शामिल था वो अतीकुर रहमान, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है, ये बहुत सारी चीजें जिनको देखे जाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बड़ी बात कह रहे हैं। तो क्या दरअसल हाथरस बहाना था, सांप्रदायिक और जातिवाद के नाम पर दंगे भड़काना था, और क्या दिल्ली का दंगो मॉडल ही दरअसल काम में आने वाला था हाथरस में? मैं थी परोसा देश के सामने, क्या हाथरस बहाना था, देश की बदनामी करवाना था, और क्या हाथरस के नाम पर सियासत को चमकाना था? मैं आगे बढ़ू उससे पहले समझिए इन बातों को कि कहानियों में कितने झोल है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि क्या हाथरस के बारे में जो कहानी आपको सुनाई गई वो किसी साजिश की ओर इशारा करती है, ये आपको सोचना चाहिए। क्योंकि आरोपी की चिट्ठी से पहले भी मामले में कई खबरें ऐसी आई है और वो इंडिया न्यूज ने बिना कोई पक्ष लिए दिखाया है। क्या राजनीतिक लॉबी, एक खास राजनीतिक लॉबी सवाल खड़े करने जा रही थी हाथरस के बहाने से दलितों का वोट पाने के लिए, और इसीलिए आधे सच को बताने वाली साजिश रची जा रही थी? देखिए, इस मामले में आरोपी रामू की फैक्ट्री के मालिक का दावा यह था कि जिस दिन पीड़िता के साथ वारदात हुई उसे अंजाम दिया गया, उस दिन रामू फैक्ट्री पर था, यह हमने इंडिया न्यूज पर दिखाया। इसके अलावा मैंने यह भी बताया कि अटेंडेंस का जो रजिस्टर था वो सबूत भी आपके सामने हमने रखा।
साथ ही कल इंडिया न्यूज ने एक बड़ा खुलासा किया। इंडिया न्यूज ने बताया कि पीड़िता के भाई की कॉल डिटेल से पता चला है कि भाई की बातचीत आरोपी मुख्य आरोपी के साथ हुई थी, 104 बार हुई थी। और इसके अलावा आपको याद होगा कि अलीगढ़ अस्पताल की रिपोर्ट सामने आई थी, डॉक्टर फैज ने दस्तखत किए थे, सफदरजंग की भी रिपोर्ट सामने आई थी, और पुलिस ने यह भी कहा था कि FSL में सामने आया है कि पीड़िता के साथ बलात्कार या गैंगरेप नहीं हुआ था। अब यह उनका वर्जन है, दूसरा वर्जन भी हमने दिखाया है। पीड़िता कह रही है आखिरी बयान में कि मेरे साथ ये सारी चीजें हुई थी। सवाल अपने पैनल की ओर मैं ले जाना चाहता हूं कि क्या पूरा सच जानबूझकर एक साजिश के तहत दलित वोट पाने के लिए और बिहार चुनाव से पहले शाजिया इल्मी, क्या आधे सच को रखा गया और आधे झूठ को परोसा गया? देखिए, जो कुछ भी हुआ उस बच्ची के साथ सच में हम सबको शर्मसार करता है और ये पूरे देश के लिए एक शर्म की बात है। लेकिन ऑनर किलिंग यानी कि सम्मान को लेकर हत्याएं होती रही हैं और जब हम देख रहे हैं और ये सबूत सामने आ रहे हैं तो आप बताइए क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि कोई और संभावना भी है? जब लड़की की मां ने ना बलात्कार का इस्तेमाल किया शब्द का और सामूहिक तो कह किया ही नहीं, तो आप क्यों जहीन महीन पत्रकार एडिटोरियल? ठीक है, तन्वी काउंटर करिए, उसके बाद गोली मिश्रा जुड़ चुकी है, उनके पास जाऊंगा। ठीक है, कंक्लूजन में है, ठीक है, वेबसाइट बन गया है, ठीक है, एक वेबसाइट बन गया है, पूरी मार्च शुरू हो गई है, सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो गई है, तन्वी जवाब, विदेश खबर बेचा जा रहा है, विदेशी पर शाजिया जी, शाजिया पहुंचाई जा रही है, हमें भी पूरी व्हाट्सएप फैक्ट्री खुल गई है। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की बात की बात करो, शाजिया जी हमें भी दूसरा पक्ष रखना दीजिए। कठुआ याद है, मैं नहीं कह रही थी जो कठुआ में हुआ सही हुआ, लेकिन आप बताइए रेप और जगह होते तो क्या हम लोग सिर्फ प्रदेश देखकर और प्रदेश की राजनीति को देखकर? अच्छा, तन्वी को जवाब देने दीजिए प्लीज, तन्वी जवाब देंगे अब, तन्वी को देखकर या जाति को देखकर और जो भी हत्यारे हैं वो ठाकुर है या मुसलमान है या एक एक करके बात करती है तन्वी। अब तन्वी शाजिया तन्वी को बोलने दीजिए, रोली मिश्रा के पास भी जाना है, प्रदेश की राजनीति देखकर रोना शुरू करेंगे, इंसाफ की गुहार तभी लगाएंगे तन्वी, तभी अफसोस होगा किसी बच्ची। अरे यार, पॉइंट नंबर वन, ठीक है तन्वी, तन्वी उसके बाद शांतनु और उसके बाद रोली मिश्रा। ये रहे ना कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स ना करें, वो ये मत बोलिए कि उनकी यूपी पॉलिटिक्स किसी यादव वोट के ऊपर है, इस बात को बोलिए मत, रोहिणी कमीशन की कौन इम्प्लीमेंट करने वाला, ये बात सबको पता है। शाजिया एक साथ बोलेंगे तो आवाज किसी की सुनाई नहीं देगी, शाजिया प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक साथ अब अगर आप सब लोग बोलेंगे, आप लोग इंटरनेट की लाइन से जुड़े हुए हैं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शाजिया प्लीज, शाजिया शाजिया ठीक है, तन्वी अपनी बात रखिए, उसके बाद रोली मिश्रा के पास भी जाना है प्लीज, सिर्फ 30 सेकंड, थैंक यू सो मच शहजाद जी। पॉइंट नंबर वन, वो लोग आज दलित पॉलिसी के ऊपर, वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं जिनकी पॉलिसी यूपी के अंदर नॉन ओबीसी यादव। मैडम इस केस के बारे में बात कीजिए ना मैम। PFI को कौन कह रहा है बैन मत कीजिए? 2014 में मोदी जी कह रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक बैन किया? कोई PFI को सपोर्ट नहीं करता, ना कोई PFI को फंड कर रहा है, बंद करिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, डालिए सबको जेल, क्यों नहीं, क्यों किसी को भी हमारे देश का दंगे करने का राइट नहीं है? तीसरी बात, ये केस अब पंचायत का, ये केस रेप का, ये केस ऑनर किलिंग का, यहाँ पे मूवमेंट बननी चाहिए कि सबको चलता रहेगा। रोली मिश्रा और शांतनु गुप्ता को स्क्रीन पर लाएंगे, रोली मिश्रा अभी जुड़ रही है, देर से जुड़ पाई है, उनसे एक सवाल लेना बनता है, समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता है रोली मिश्रा, क्या यह पूरा का पूरा प्लान, हाथरस ट्रूथ जो हम कह रहे हैं, जिसे आप लोगों का प्लान था कि आधी बातों को बताओ ताकि दलित बनाम दूसरी जातियों के बीच में जाति का कार्ड खेलकर वहां पर दंगों वाला माहौल बना सके, उत्तर प्रदेश को जला सके और उसका राजनीतिक फायदा हो सकता है आपके महागठबंधन को बिहार में पहुंच पाए, क्या यह प्लान था? रोली मिश्रा उसके बाद शांतनु गुप्ता। शहजाद जी, बड़ा ही शर्मनाक सवाल आपने पूछ लिया, क्या बेटियों की अस्मिता पर राजनीति की जाती है? क्या बेटियों की अस्मिता पर राजनीति की जा सकती है? क्या हर कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह स्वाति सिंह की तरह होता है जो अपनी बेटी सड़क पर लेकर के खड़ी हो जाती है और कहती है बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में, और उसके बाद 5 वर्ष हो गए महिला कल्याण मंत्रालय संभालते हुए, आज उत्तर प्रदेश में हजारों बेटियों के साथ हत्या हुई, बलात्कार हुए, उनका उत्पीड़न हुआ, लेकिन आज तक स्वाति सिंह के मुंह से सवाल नहीं।
टूटा, महिला आयोग काम नहीं कर रहा है, कैसी बात करते हैं। देखिए जब भी आप खुद देख रहे हैं कि किस प्रकार से अवनीश अवस्थी जी को हटा करके नवनीत सहगल जी को लाया गया, और नवनीत सहगल जी के आते ही पूरी तरह एक सेकंड मुझे बीच में लाइए रोली मिश्रा, ये तो बहुत अच्छी बात है आपने मेरे सवाल को, मैं आ रहा हूँ शांतनु मैं आपके पास आ रहा हूँ, बीच में मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ। रोली 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 आप ही से सवाल है, रोली रोली मेरी बहन रोली आप ही से सवाल है, सुनिए ना उत्तेजित मत होइए। ठीक है रोली मेरे सवालों से जितना उत्तेजित आप हुई रोली जी, रोली मिश्रा जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता मेरी बहन रोली मिश्रा भाषण नहीं है डिबेट है पहले तो। ठीक है रोली से मेरा सवाल है, रोली जी आप सुन लेंगी मेरा सवाल, ठीक है ना प्रदेश में संभाल पा रहे हैं, मुझे स्क्रीन पर रखिए। और कह दिया बेटियों आपने बोल दिया अपना पॉइंट, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ रोली, ठीक है रोली अब मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ, आप इतने असहिष्णु क्यों हो जाते सवालों को लेकर। और उसके बाद अब रोली आप और बोलेंगी तो मुझे लगता है कि ब्रेथलेस का शंकर महादेवन से ज्यादा आप ब्रेथलेस हो रही हैं। सुन तो लीजिए सवाल रोली जी, एक मिनट पानी पी लीजिए। रोली मेरी बहन मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए एंकर सबसे यहाँ पर मुझे लगता है कि एंकर को आरक्षित समय मिलना चाहिए डिबेट्स में, क्योंकि एंकर ही मारा जाता है अपनी डिबेट में। पर रोली जी मेरा सवाल आपसे है, आप 10 सेकंड पानी पीजिए, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। जितना उत्तेजित आप दिख रही है ना आज मुझे अच्छा लगा, जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने बॉयज विल बी बॉयज कहा और प्रजापति जी को साइकिल के कैरियर पर घुमा रहे थे आपके नेता, तब आप इतना उत्तेजित हुई थी क्या? जब तनवीर आपका शाहजहांपुर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उस पर आरोप है दलित का यौन शोषण किया, उनको अरेस्ट किया गया है, उनको पार्टी से निकाला है क्या मैडम? आप शहजाद जी हर वो व्यक्ति जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपनी पार्टी की एकमात्र ऐसी महिला हूँ जब भी महिलाओं के ऊपर। तो आप कह रही हैं मुलायम सिंह यादव को उस बयान के ऊपर क्षमा मांगनी, उनको क्षमा याचिका देनी चाहिए? आइए शांतनु जी आइए, अब आप शांतनु जी की बारी। ठीक है रोली आपने अपना स्टैंड बता दिया, आपके मामले में जो दोषी साबित हो जाए तब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर शांतनु गुप्ता ऐसा 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 स्टैंड उनका दूसरे मामलों में नहीं रहता शांतनु गुप्ता। ठीक है अब शांतनु गुप्ता की बारी है, प्लीज शांतनु गुप्ता विद तन्वी प्रतीक जी, शांतनु गुप्ता। ठीक है मैम आप डिबेट को हाईजैक नहीं कर सकती ना मैम, आप सुनना भी पड़ेगा ना। शांतनु गुप्ता जवाब देंगे, प्रियंका गुप्ता को सामने लाइए जी, शांतनु गुप्ता विद प्रियंका गुप्ता। जिस दिन हाथरस में गया उसी दिन सुबह बस भर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आए, ठीक है, और वहां पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए किस तरह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सेल्फी ले रहे हैं पीड़िता के घर के साथ, और ये कहते हुए पकड़े गए हैं कि जब मैं पिताजी के कंधे पे हाथ लगूं तो बाइट जरूर ले लेना। देखिए वहां कोई जा क्यों रहे हैं, मतलब बाइट लेने पिताजी के कंधे पे हाथ रखूं तो फोटो लेना ये आम बात है वहां पे, तो वहां कौन राजनीति नहीं कर रहा है। और मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य भी हुआ, शर्म भी आई खुद पे भी कि मैं भी उस नैरेटिव का पार्ट बन गया था, तब तक मैं वहां नहीं गया था। वो घर बिल्कुल बगल का घर है शहजाद, बगल के घर में भी ऐसा कैसे हो सकता है? आप अगर मेरी बात सुन रहे हो तो वहां पे दीपक शर्मा नाम का एक व्यक्ति जो आम जनता को भड़का रहा था, आरोपी के मां बाप का जैसे हो रही थी वहां पर, उसको आप क्या कहेंगे? बात तो कर लेते, उसको भी कुछ बोल दीजिए। अच्छा प्रियंका जी 10 सेकंड दे दीजिए शांतनु को, बात खत्म करने दीजिए उसके बाद आप बोलेंगी, यही स्क्रीन रहेगा जी, बोलिए शांतनु। बस यही मैं कह रहा हूँ कि इतने सारे रिपोर्टर, बैटरी ऑफ रिपोर्टर थे वहां इतने दोनों से, जैसे आपके रिपोर्टर ने दिखाया घर 50-50 मीटर 100-100 मीटर दूर है, दूसरा पक्ष 8-9 दिन तक दिखाया ही नहीं, पुलिस वाले तो रेस्टिकेट हो गए, क्या चैनल वाले रेस्टिकेट होंगे? प्रियंका गुप्ता मेरा सवाल ले लीजिए, 5 सेकंड का सवाल है। मेरे पास एक बहुत दुखद खबर आई है, छत्तीसगढ़ में शायद आप ही की सरकार है, ऐसा तो नहीं बीजेपी चला रही वहां पे, एक लड़की ने आत्महत्या की, उनका बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ था 7 लोगों के साथ, और पिता ने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया क्योंकि FIR दर्ज नहीं की जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि चलिए राजस्थान बहुत दूर है, छत्तीसगढ़ कब जा रही है प्रियंका वाड्रा जी, वो भी बता दीजिए, आपकी हमनाम है जी। उसकी FIR दर्ज हो चुकी है और उसकी डेड बॉडी भी निकाली जा चुकी है। अच्छा, और उनको उनके पिता को उसके लिए सुसाइड करना पड़ा, और आप लोग महिलाओं के सम्मान में जी, तो मंजू वर अब शाज़िया इल्मी इस पे टेक देंगी, शाज़िया इल्मी ये अब जता रही है, एहसान जता रही है मैडम कि छत्तीसगढ़ में पता ने आत्महत्या की कोशिश की, बेटी मर गई, उसके बाद हमने FIR की, तो हमारी वाहवाही होनी चाहिए जी। शाज़िया इल्मी आइए, हम बात करेंगे राजस्थान की, ये बात करेंगे हाथरस की, फिर आप बताएंगे छत्तीसगढ़ के बारे में, भी बिहार पहुंच जाएंगी,
इनका यही काम हो गया है, ये मंडली यही कर रही है, ये देखती है रेप की आरोपी है, मुख्यमंत्री है बच्चियों के साथ रेप हुआ है, उस औरत को आप लोगों ने टिकट दिया हुआ है। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को चुल्लू भरवारी में डूब मरना चाहिए। आप ऐसे लोगों को टिकट देते हैं, आप ये पार्टी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मय आनंद, इस बात से प्रूफ होता है कि आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो रहे हैं। और बच्चियों, जिन बच्चियों के साथ अपराध होता है उनको आप, उनको आप बदनाम करते घूमते हैं, उनके ऊपर आप अनाप शनाप बयानबाजी करते घूमते हैं, ये आपके नेता है। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। ठीक है, रोहित से एक बार मैं, प्लीज मुझे रोहित से एक बार अपडेट लेने दीजिए। दोनों महिलाओं से कह रहा हूँ, देखिए आज कितने सारी महिलाएं हैं पैनल पर, मैं चाहता हूँ कि उनका बार बार जो उनका स्टैंड है वो आता रहे। पर रोहित मुझे एक बात बताइए कि क्या अब हाथरस की जो कहानी है, क्या कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए जल्दबाजी करके निष्कर्ष सुना दिया, और क्या आरोपी पक्ष को मौका दिया ही नहीं गया? और क्योंकि वो एक जात से थे और ये पूरा मामला उस नैरेटिव में फिट हो रहा था, इसीलिए हाथरस पर पहले ही, कोर्ट से पहले ही निष्कर्ष सुना दिया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए अब शहजाद मैं कहूं तो पूरी तरह से जो नैरेटिव है उसको बदल दिया गया है, पूरी तरीके से इस जो कहानी है उसको अब एक नया ही रूप यहां पर हाथरस में दे दिया गया है। कहां एक सीधा सा केस था हाथरस का, जिसमें सीधे तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, सीधे तौर पर कार्रवाई हुई भी इस मामले में, लेकिन अब उसको देखिए ना किस तरीके से नया रंग दे दिया उसको। आप देखिए कितनी बड़ी साजिश उसको मतलब कर दिया, एक हाथरस के केस को लेकर आपने कितना बड़ा जाल यहां पर बुन दिया। आपने पूरी हिंसा के लिए पूरी एक टीम तैयार कर ली, आपने हजारों हजार लोग रात के वक्त जोड़ लिए। ये क्या किया आपने, सिर्फ एक केस को सामने रखते हुए आपने पीछे इतनी बड़ी साजिश रच डाली। रोली मिश्रा, अभी आपने क्या किया, हमने सुना किस तरह के स्टेटमेंट सामने आए। रोली मिश्रा, इंसाफ की लड़ाई, आप सोचिए शहजाद कि कितने लोगों को इन लोगों ने भड़काया होगा। रोली मिश्रा, इंसाफ की लड़ाई दंगों पर क्यों उतर आई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पीएफआई का कंट्रीब्यूशन क्या है, और आज आपको योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ खड़े रहकर कहना चाहिए कि जी हम आपके साथ है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, पर आपकी पार्टी कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं लेती पीएफआई पर। लीजिए ऑफिशियल स्टैंड, कहिए, ट्वीट कीजिए, बोलिए योगी आदित्यनाथ से और केंद्र की सरकार से कि पीएफआई पर बैन लगे। क्या पीएफआई महिलाओं के लिए काम कर रही है या वोट बैंक है इसीलिए बलरामपुर पर चुप, इसलिए पीएफआई पर चुप? जितने सवाल हमने योगी जी से पूछे आज तक उनका जवाब तो मिला नहीं। मैडम आपकी प्रॉब्लम यह, आप इंडिया न्यूज देखती नहीं है, इंडिया न्यूज देखा करे, जितने सवालों की फहरिस्त यहाँ पर तैयार हुई है कहीं नहीं हुई। जी ने जवाब दिया, हमने पूछा कि उस महिला के, उस बिटिया के इलाज के लिए आपने पहले क्यों नहीं उसको भेजा, उसका जवाब हमको नहीं मिला। हमने ये पूछा आरोपी ने पत्र पहले क्यों नहीं लिखा, उसका जवाब भी आज तक हमको नहीं मिला। हम ये जवाब तो बाद में पूछेंगे, पहले तो हम योगी जी से यही पूछ रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाज और हिंदू को मानने वाले। मैम उसका जवाब हलफनामे में दिया ना सरकार ने, शांतनु गुप्ता हलफनामे में जवाब दिया ना उसका। पर सवाल ये भी है ना कि सफदरजंग तक क्यों नहीं पहुंच पाई है मंडली? सफदरजंग अस्पताल बहुत करीब था, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, शांतनु, मैं अपनी बेटी की विदाई नहीं कर पाई। हमें तो उस सवाल का भी जवाब नहीं मिला, हमें तो उस सवाल का भी जवाब नहीं मिला कि हमारे कार्यकर्ता शाजिया, ये मंडली, ये पीपली लाइफ की मंडली सफदरजंग क्यों नहीं पहुंच पाई? आपने क्या बना दिया अपने आप को, मतलब आपने सियासी अखाड़ा सवाल रखा है। मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी जो है वाकई में मतलब पहलवानी वो किसी वक्त में करते थे, लेकिन कोई वक्त है अखाड़ा बनाने का? आपको हो क्या गया है, शर्म नहीं आती आपको? चारों लोगों को पकड़ा गया, एसआईटी फौरन बनाई गई, गठित की गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट किया बनाया गया उसके लिए, इतनी एक एक और एक पहली प्राथमिकी जो 14 तारीख को ही हो गई थी, जो लड़की की मां ने करी है, उसने साफ साफ लिखा है कि ये बेहोश हो गई थी, उसमें लिखा ही नहीं, वो संदीप का नाम था। ये तीन लोग कहां से आ गए, ये आपकी भटक मंडली ने क्या ही है, ये कारोबारी प्रदर्शनकारी तन्वी, क्या ये पूरी तरीके से तन्वी और शांतनु, ठीक है, बलात्कार कैसे आ गया पिक्चर में, तन्वी और फिर शांतनु, बलात्कार कैसे हो गया? तन्वी क्या ये, मैं आपको लास्ट मौका दे रहा हूँ, तन्वी क्या आप मानेंगी कि एक मामले को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कांग्रेस के और कुछ पीएफआई के लोगों ने इसमें दंगे लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया ताकि दलित वोट बिहार में मिल सके, क्या आप कबूलना चाहेंगी? आखिरी मेरे पास 2-3 मिनट बाकी है डिबेट में, मैं आपको मौका दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वीडियोज है सारे और कांग्रेस के वीडियोस हैं, मैं आपको बताऊंगा मेरे पास है वो वीडियोस, बोलिए। शहजाद जी, मैं आज सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सबको याद कराना चाहती हूँ, जिसके अंदर
पेटिशन डली थी कि जितने भी ये रेप के फेक केसेस होते हैं जो जो औरतें जो डाल देती हैं आदमियों के ऊपर उनको फंसाने के लिए और वो कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट का कहना था, ये उनके लिटरल वर्ड्स नहीं है पर उनके कहने का मतलब यही था कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। जब तक इस देश के अंदर ऐसे क्राइम औरतों के अगेंस्ट खत्म नहीं हो जाते तब तक हम लोग इन लॉज की लड़ाई थी। शांतनु, लास्ट वर्ड। देखिए मैं ग्राउंड पे जाके आया हूँ। अगर कोई भी दोषी है वो छूटना नहीं चाहिए, लेकिन एक हाइपर वेंटिलेटेड कैंपेन के अंदर में एक निर्दोष आदमी जेल में नहीं सड़ जाना चाहिए। देखिए मैं बस दो सरकारों में तुलना करूंगा। योगी सरकार खुद कह रही है, आपने कितनी सरकारों को दिखाया कि सीबीआई की जांच करवा लो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना। और उधर पिछली सरकारों में गायत्री प्रजापति को अरेस्ट करने के लिए एफआईआर करने के लिए सरकार के ऊपर, आपको पता है शांतनु जी कितना दबाव था सरकार के ऊपर, दोनों सरकारों में ये फर्क, मीडिया वहां पर था। शांतनु जी मैं वहां पर रही हूँ, मेरा क्षेत्र है, मेरा सवाल ये ना रोहित आपकी 10 सेकंड में आपको देना चाहूंगा क्योंकि आप ग्राउंड पर हो, हाथरस पर हो, हाथरस की पूरी कहानी सामने आएगी क्या? रोहित 10-15 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको, आखिरी के हाथरस की पूरी कहानी सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए शहजाद, कोशिश कितने भी कोई कर ले, कोई कितना भी प्रयास कर ले, इसको पीएफआई को से दंगा करवा के प्रयास कर ले, कोई मॉरिशस से 50 करोड़ मंगा ले, कोई 100 करोड़ की फंडिंग करा ले, लेकिन योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और इस मामले में जैसा कि हमने सुना भी था योगी आदित्यनाथ को, आपने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही योगी आदित्यनाथ का वर्जन सुनाया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कोई कुछ भी कर ले बचने वाला कोई भी नहीं है, तो बचेगा कोई नहीं। देर हो सकती है भले ही थोड़ी बहुत, जैसा कि हमने देखा भी कल एसआईटी को अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये पीएफआई वगैरह सब इसमें एंगल आ गए और ये सब जो है ना गिद्ध जिसको आप कह रहे थे, ये गिद्ध सब इसमें घुसा है, इसलिए 10 दिन का और एक्सटेंशन दिया है एसआईटी को। और मैं मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि एसआईटी बहुत जल्द इस पूरे केस का, तो इस पूरे पीएफआई का गैंग का गिद्ध गैंग का पर्दाफाश कर देगी। दूध का दूध, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए हाथरस मामले में, और वो तभी होगा जब पूरा सच सामने आएगा, क्योंकि आधा सच जो होता है ना, आधी कहानी जो होती है वो दरअसल झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए इंडिया न्यूज पर और मेरे शो पर दोनों तरफ की बातें रखी जाएंगी, आप फैसला कीजिए और कोर्ट को फैसला करने दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, रुकेंगे यहां पर, हाथरस ट्रूथ बाहर आएगा बहुत जल्द और